है फ्रेंड्स, अगर आपका किसी भी प्रोडक्ट पे ऑर्डर अच्छा आ रहा है क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट अच्छा रैंक कर रहा है, या फिर रैंक नहीं भी कर रहा है तो आपके ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन क्या होगा अचानक में आपका जो ऑर्डर क्वांटिटी या सेल एकदम बिल्कुल घट जाए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो क्या कारण हो सकते हैं? बहुत आप चौंक जाएंगे, भाई अचानक ऐसा क्या हो गया। अगर आप नए सेलर हैं तो हो सकते हैं आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा, मैं इसी पॉइंट पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्बर्ट, आई हैव 7+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद ई कॉमर्स इंडस्ट्री। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो 7th वीडियो होने वाला है, जो फ्लिपकार्ट में सेल्स बूस्ट का जो सीरीज का जो वीडियो है, उसमें अब तक मैंने ऑलरेडी 6 वीडियोस मैंने स्टेप वाइज स्टेप आपको क्या करना है उन वीडियोस को बनाया हूं, और वो ये आपका 7th वीडियो होने वाला है। और इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है, आपने बहुत मेहनत करा, आपने हो सकता है आपने रिव्यूज उसमें रिव्यूज गेन करने के लिए आपने प्रोडक्ट अच्छे से सेल करा, कुछ भी अपना जो क्वालिटी मेंटेन करा, बहुत सारी चीजें हैं, आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, आपने रिव्यूज पाया, आपका जो रैंकिंग बढ़ गया जिसमें ट्रैफिक अच्छा हो गया, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट जो है रैंक कर गया उसके बाद, लेकिन अचानक में ऐसा कुछ हुआ कि आपका सेल्स ही डाउन हो गया, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं? ये मैं इसको डिस्कस इसीलिए कर रहा हूं कि अगर आप नए सेलर हैं तो अक्सर नए सेलर्स को ये बातें नहीं पता होता है, और लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि यार अक्सर हो क्या गया, अचानक में सेल ड्रॉप हो गया। तो यस, उसी को मैं बताने वाला हूं। तो ये जो प्रॉब्लम होता है, आपने सुना होगा कभी, अगर आपने नहीं सुना होगा, अगर आप नए सेलर्स हैं तो आपने नहीं सुना होगा, और अगर पुराने सेलर्स हैं तो जिनको ऑलरेडी इसके बारे में पता अगर हो गया, यानी कि उनको पता होगा, बहुत लोग ऐसे सेलर्स हैं इस चीज का बेनिफिट उठाते हैं और उस अपना जो कहते हैं, जैसे कि जो क्या होता है कि कौवे ने जो क्या घोंसला बनाया और कोयल ने उसमें अंडा दे दिया, यानी कि मेहनत और किसी ने किया और फायदा किसी ने और ने उठाया, तो ऐसा होता है जनरली। तो उन सेलर्स जो, यानी कि जिनको ऑलरेडी पता हो, मुझे गाली देंगे कि भाई क्या बकवास कर रहे हो, क्यों बता रहे हो, जो नए सेलर्स बोलेंगे, हो सकता है ये अच्छी बात है, लेकिन जो पुराने सेलर्स जो ऑलरेडी इस तरीके के ट्रिक्स अपनाते हैं सेल्स को बूस्ट करने के लिए, वो बोलेंगे, मुझे गाली देंगे, भाई ये कर क्या रहे हो। सो चलो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में होता क्या, यस ऐसे होता है। सो होता क्या है कि अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है और आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करा हुआ है और आपका प्रोडक्ट अच्छा रैंक करना शुरू हो गया, और होता क्या है कोई दूसरा बंदा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लैच ऑन कर जाए और वो अपना प्राइस जो है आपका प्राइस से थोड़ा सा कम रख दे, तो उससे क्या होगा कि उनका प्रोडक्ट, उनका प्राइस, यानी कि जब भी कोई ऑर्डर करेगा तो बाय डिफॉल्ट में जिसका प्राइस कम होता है उसका वहां से उसका ऑर्डर बाय डिफॉल्ट कर पाता है बायर। तो इस तरीके से जो पहले जिसने यानी कि मेहनत करा प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, तो उसका प्रॉब्लम यानी कि घाटा होगा। तो मेरा कहने का मेन मकसद ये था, इस सेल्स बूस्ट में, सेल्स बूस्ट के वीडियो सीरीज में इस पॉइंट को ऐड करने का मेरा पॉइंट ये था कि आपको एटलीस्ट इस बात की जानकारी हो कि अगर इस तरीके से अगर कभी हो, अगर कोई लैच ऑन कर रहा है तो आपको उसको, आप उसको यानी कि उसका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, आप उसको नहीं करने देना है लैच ऑन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो इससे क्या होगा कि दूसरा कोई इसमें कोई भी लैच ऑन, इसमें कोई भी लैच ऑन नहीं कर पाएगा। सो यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा सेल बढ़ गया है तो आप कोशिश करिए कि आप ट्रेडमार्क ले लीजिए, और जिससे कि उस पर कोई भी लैच ऑन ना कर पाए। और अगली जो यानी कि अभी सेल्स बूस्ट का काम करेगा, यानी कि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ऐसा हो सकता है आपके साथ ऐसा सिनारियो आ सकता है कभी भी। दूसरा पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं बताने वाला हूं, शायद लोगों को सुन के थोड़ा सा हो सकता है लोगों को अजीब सा लगे, पर ये हकीकत है, प्रैक्टिकल किया हुआ चीज है, और इसको करेंगे तो सेल्स बूस्ट डेफिनेटली करेगा। और ये जो आपका एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी, अगर आप रियली सेल्स बूस्ट अगर करना चाहते हैं तो आपको ये एक्टिविटी डेली करना पड़ेगा। सो ये डेली एक्टिविटी क्या है, जब आपका जो लिस्टिंग पास हो गया, लिस्टिंग लाइव हो गया, उसके बाद डेली आपको करना क्या है, आप जानते हैं कि जो मार्केट का जो रेट है अक्सर घटता बढ़ता रहता है, और उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको अपने ट्रेंड के हिसाब से घटाते बढ़ाते रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें सीन क्या है कि
आपके जब आप लिस्टिंग चेक करते हैं यानी कि आप अकाउंट आप जब चेक करते हैं इसमें आपको रिकमेंडेशन आते हैं, यानी कि फ्लिपकार्ट आपको रिकमेंडेशन भी भेजता है कि इसमें आप या चाहे प्राइस को कम कर सकते हैं, इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है और डिसीजन आपका है कि आपको करना है या नहीं करना, वो करें या ना करें दैट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि जो प्राइस फ्लिपकार्ट रिकमेंड कर रहा है उसको करने के बावजूद भी जो प्रॉफिट है तो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली वो एक एनालिसिस करके आपको भेजता है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट कह सकते हो या दूसरा पॉइंट जो भी है, पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप अपने कैटलॉग का यानी कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है डेली थोड़ा बहुत ही चेंज जरूर करते रहे, हो सकता है 2-4 रुपए 5 रुपए ही चेंज आप जरूर करते रहिए। ये आप करके देखिए, अगर आप जो यानी कि ऑलरेडी आपका 2-3 महीने आपका जो कैटलॉग का यानी कि दो तीन सप्ताह की भी बात करूं, अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है यानी अपडेट कर दिया और उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपका धीरे धीरे आपका अगर आप कोई पेड सर्विस यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका आपका सेल्स घट सकता है। तो प्राइस उसका 2-4 रुपए कुछ भी आप ऊपर करें या नीचे करें, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नीचे ही करें, कोई जरूरी नहीं है उसको कुछ 2-4 रुपए 5 रुपए ऊपर करें या नीचे करें, ये करते रहिए। यानी कि डेली प्रैक्टिस करते रहिए, डेली कुछ प्रोडक्ट्स में आज चेंज कर दिया, कुछ प्रोडक्ट्स में कल चेंज कर दिया, इस तरीके से करते रहिए, डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। सो अब तक जो सेल्स बूस्ट का ये जो 7th वीडियो है, इस वीडियो में जो सेल्स बूस्ट के रिलेटेड इतना ही मैं बताना चाह रहा था। और एक चीज में और एक पॉइंट बताना चाह रहा था कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वीडियो के कमेंट में, तो मैं सोच रहा था कि जो वीकली एक ऐसा सेशन रखा जाए, मैं जो भी कमेंट्स है हालांकि मैं वहीं पे आंसर कर देता हूं, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा जो क्वेश्चंस हैं मैं उनका जो वीडियो भी बनाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, जिससे कि और लोगों को भी ये जो समझ में आ जाए कि एक्चुअली वो क्या क्वेश्चन था जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली मैं उसको ऐड करने की कोशिश करूंगा। और कुछ समय बाद मैं डेफिनेटली एक लाइव सेशन जो यूट्यूब पे ही जो लाइव सेशन किया करूंगा, जहां पे आपके जो क्वेश्चंस आएंगे अगर मुझे लगता है कि यस अब कुछ रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली इसको वीकली कॉल में हम डिस्कस कर लिया करेंगे कि जो भी लाइव कोई क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली हम उसमें जो आपके जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी चेक्स जब होते हैं, क्यूसी होता है, उसमें कुछ एरर्स होते हैं उसके रिलेटेड हम डिस्कस किया करेंगे। सो अगर आपको लगता है किसी भी तरीके क्वेश्चन आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, अगर लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली लाइव सेशन भी हम जो लाइव स्ट्रीमिंग कर लिया करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को हिट करें और ऑल बटन को एनेबल जरूर करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। So thank you, my dear friends. Thank you. Bye-bye. Take care.